कांग्रेस की ओर से जारी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सूची में कोई बड़ा नाम नहीं आया है, कांग्रेस के लिए आने वाला समय खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशियों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है। पार्टी की ओर से जारी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची में कांग्रेस में मध्य प्रदेश के एक भी प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं था। कांग्रेस के कोई भी बड़े नाम अभी इस पहली लिस्ट में नहीं आए। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके सारे नेताओं के नाम है। हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब है। इनके बड़े नेता मैदान पहले से ही छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज मैं रायपुर के दौरे पर था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे कार्यक्रम मनाए थे। मेरी अपनी ओर से रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग इत्यादि स्थानों पर मैं दौरा करके आया हूं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे यशस्वी यहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनकी मित्रमंडली की सरकार हमारी बहुत अच्छे से विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं।